तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु के या स्थापत्य वेद के सिद्धांत का अध्ययन चल रहा है और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इस खंड के अंतर्गत हम वास्तु के सिद्धांत को तीन भागों में विभाजित कर देख रहे हैं। एक है दैनिक वास्तु, दूसरा है चर वास्तु और तीसरा है स्थिर वास्तु। दैनिक वास्तु में हम देख चुके हैं कि एक दिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक के समय में दिशाएं किस प्रकार से धूम ज्वाला दग्ध भस्म और शांत होती है। चर वास्तु के आधार पर मुहूर्त का अध्ययन किया जा चुका है और स्थिर वास्तु का उपयोग प्लानिंग के लिए, कक्षों के नियोजन के लिए, किस एक्टिविटी को कहाँ परफॉर्म करना इसके लिए किया जाता है। और स्थिर वास्तु के अंतर्गत हम खंड निर्णय इसे देख चुके हैं। चार खंड, ईशान आग्नेय निरत्य वायव्य, जब प्लॉट बहुत छोटा हो तब किया जाता है, और आठ खंड, पूर्व आग्नेय दक्षिण निरत्य पश्चिम वायव्य उत्तर और ईशान का उपयोग तब करते हैं जब प्लॉट मध्यम आकार का हो, कुछ बड़ा हो। छोटे प्लॉट 20x40 चार कमरे बनाना है, उससे बड़ा आकार जब आठ कमरे बनाना है तो पूर्व दिशा में किस प्रकार के कक्ष का नियोजन करना, आग्नेय कोण में कौन सा कक्ष बनाना, ऐसे कक्षों का निर्धारण दिशाओं के, वि दिशाओं के आधार पर जब करते हैं उसे खंड निर्णय कहते हैं। इसके पश्चात जो विधि विन्यास है, जब प्लॉट मध्यम आकार का है या बहुत बड़े आकार का है तब किया जाता है। मध्यम आकार के प्लॉट में ही पदविन्यास का भी प्रयोग करते हैं। तो खंड निर्णय को देखने के उपरांत अब हम विधि विन्यास को देखने का प्रयास करते हैं। विधि विन्यास में जो भी प्लॉट या भूखंड हमारे पास है उसका हमने मध्य क्षेत्र लिया, प्लॉट चाहे वर्गाकार हो, आयताकार हो, सर्कुलर हो, गोल हो, जो मध्य का स्थान है उसका जो पोर्शन है, उसका जो क्षेत्र है, उससे हमने कॉन्सेंट्रिक, जिन सबका सेंटर एक हो, ऐसी वीथियों का निर्माण करते हैं, अलग अलग क्षेत्र बनाते हैं। जैसे पहले के समय के जो मकान बनते थे, घर बनते थे, उनमें मध्य का स्थान ओपन टू स्काई होता था, खुला रहता था, उसे ब्रह्म स्थान कहते थे। उस स्थान पर आंगन बनाते थे। अभी भी बहुधा जो सदर्न इंडिया के अपने घर हैं, जो मकान बने हैं, वहाँ इसी प्रकार का है कि घर का जो मध्य भाग है वो ओपन टू स्काई है, खुला है। उसे यहाँ शास्त्र की भाषा में ब्रह्मवीथी या ब्रह्मावीथी कहते हैं। ब्रह्म का तात्पर्य अव्यक्त ऊर्जा से है, प्योर एनर्जी से है, जो अभी किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में अभी एक्सप्रेस नहीं हुई, अभिव्यक्त नहीं हुई, मैनिफेस्ट नहीं हुई।
तो सेंटर वाला जो पोर्शन है उसे कहते हैं ब्रह्मा वीथी। उसके बाद के जो पोर्शन है उसमें कंस्ट्रक्शन है, और फिर जो बाहरी हिस्सा है, जो आउटर पेरिफेरी है, जो बने हुए हिस्से के बाहर का हिस्सा है और कंपाउंड वॉल से घिरा हुआ है, उस बाहरी हिस्से की वीथी को कहते हैं पैशाच वीथी। तो इनर मोस्ट पोर्शन में है ब्रह्मा वीथी और आउटर मोस्ट पोर्शन में है पैशाच वीथी। ये ब्रह्मा वीथी और पैशाच वीथी के मध्य में जब अंदर से बाहर की ओर बढ़ते हैं तो देव वीथी और मनुष्य वीथी, इस प्रकार से चार वीथियां होती हैं। अंदर से बाहर की ओर चलेंगे तो ब्रह्मा वीथी, देव वीथी, मनुष्य वीथी और पैशाच वीथी। ब्रह्मा प्योर एनर्जी, ब्रह्मा प्योर एनर्जी, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो अभी किसी भी रूप में अभिव्यक्त नहीं हुई हो ब्रह्म कहलाती है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। उसके बाद जब वो अभिव्यक्त हुई तो कहा देव वीथी। उसके बाद उसके आउटर पेरिफेरी पे जब अभिव्यक्त है तो देव वीथी के पश्चात मनुष्य वीथी और फिर बाहर की ओर पैशाच वीथी। तो कोई भी सर्कुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, तो ये जो ब्रह्मा वीथी है, देव वीथी है, मनुष्य वीथी है और पैशाच वीथी है, ये कैसी है? कॉन्सेंट्रिक। इन सब का सेंटर, मध्य स्थान एक ही जगह आ रहा है, एक ही पॉइंट पर आ रहा है। तो निर्माण कार्य जो करते हैं वो देव वीथी में करते हैं और मनुष्य वीथी में करते हैं। ब्रह्मा वीथी पॉजिटिवली एक्टिविटी के लिए, पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ओपन टू स्काई छोड़ दी जाती है, वहां से शुद्ध हवा का, वायु का संचरण होता है। आउटर मोस्ट जो वीथी है, जिसे पैशाच वीथी नाम दिया, वह भी ओपन टू स्काई रहती है, उसको भी खुला छोड़ देते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन वहां से होता है, वायु का संचरण होता है, हवा का संचरण होता है, प्रकाश आता है। अभी के समय में भी जो मकान बनते हैं, घर बनते हैं, उसको चारों तरफ खाली जगह खुली छोड़ना कंपलसरी है। उसको कहा है MOS, मार्जिनल ओपन स्पेस। ये परंपरा अपने यहाँ बहुत पुरानी है, पार्किंग के लिए है ना, कुछ वाहन खड़े करना हो, कुछ करना हो, अदर एक्टिविटीज़ के लिए ये एरिया जो है ओपन छोड़ा जाता है। तो अपने यहाँ एक प्रकार का जो वीथी विन्यास है जिसमें चार वीथियाँ हैं, ब्रह्मा वीथी, देव वीथी, मनुष्य वीथी और पैशाच वीथी। जब प्लॉट साइज, जब भूखंड का क्षेत्र मध्यम आकार का है तो इस प्रकार का विन्यास करते हैं और उसे हम कहते हैं चार वीथी वाला विन्यास या वीथी विन्यास। जब प्लॉट साइज बहुत बड़ा हो तब 9 वीथियों का विन्यास किया जाता है, इसको भी अभी देखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जब भूखंड को, प्लॉट को हम 9 वीथियों में विभाजित करते हैं तो इन वीथियों के नाम अंदर से बाहर की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं। जो इनर मोस्ट वीथी है, एकदम अंदर वाली वीथी है, सेंटर वाली वीथी है, उसका नाम है ब्रह्मा वीथी। उसके बाद बाहर की ओर बढ़ते हैं तो गणेश वीथी, फिर अग्नि वीथी, फिर जल वीथी, फिर नाग वीथी, फिर यम वीथी, कुबेर वीथी, उसके पश्चात देव वीथी और सबसे बाहर की ओर जो आउटर मोस्ट पेरिफेरी पर है वो है पैशाच वीथी। तो ये वीथियाँ क्या हैं? ये वीथियाँ इस प्रकार की बनाई कि जब हमें निर्माण कार्य आरंभ करना है, प्लानिंग करना है और प्लॉट साइज बहुत बड़ा है तो कक्षों का नियोजन इस प्रकार से हम करें कि वह
वीथियों पर बने और बीच बीच में कुछ वीथियां हम खाली छोड़ते जाएं। उन वीथियों से प्रकाश, ऊर्जा, हवा, वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट, ये सब उन कक्षों को मिलेगा जिन पर निर्माण कार्य किया गया है, जिन वीथियों में निर्माण कार्य किया गया है। टाउन प्लानिंग भी जब करते हैं तो जो उसका कोर वाला पोर्शन है, जो सेंटर वाला पोर्शन है, जो मध्य वाला स्थान है, हिस्सा है, वह ब्रह्मा वीथी होती है। वहाँ या तो देव मंदिर बनाते हैं, किसी तरीके से उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, गार्डन बनाते हैं और उसके आसपास चारों तरफ एक रास्ता होता है। तो ये जो वीथी विन्यास है, जब प्लॉट साइज बहुत बड़ा है तो विभिन्न परकोटों का निर्माण करते हैं। आगे जब शास्त्र की गहराइयों में आप जाएंगे, मंदिर विधान को जब आप देखेंगे, तो उसमें 3 परकोटे, 5 परकोटे, 7 परकोटे, इनके विधान मिलेंगे। और सेंटर मोस्ट जो पोर्शन है, वहाँ वो डाइटी का, देवता का मंदिर बनाया जाएगा। फिर 1 परकोटा है, फिर कुछ और कंस्ट्रक्शन है, फिर 2 परकोटा है, फिर 3 परकोटा है, इन्क्लोजर्स हैं। तो ये क्या है, ये विधि विन्यास है कि जब भूखंड का आकार, प्लॉट का आकार बहुत बड़ा होता है तो किस प्रकार से निर्माण कार्य करना कि वह वास्तु के अनुरूप हो, तो ऐसा एक प्रकार है विधि विन्यास। स्थिर वास्तु का अध्ययन कर रहे हैं। स्थिर वास्तु में 3 प्रकार, एक खंड निर्णय देखा, अभी विधि विन्यास देखा, इसके बाद हम देखेंगे पद विन्यास। खंड निर्णय में 2 प्रकार देखे, 4 खंड और 8 खंड। इंटरमीडिएट डायरेक्शन के अनुसार जब प्लानिंग करी, वी दिशाओं के अनुसार जब खंड बनाए, ईशान, आग्नेय, निरृत्ति, वायव्य, तो कहा 4 खंड। दिशाओं और वी दिशाओं के अनुसार जब हमने 8 जोन्स में, सेक्शंस में, खंडों में विभाजित किया, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, निरृत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, उसके अनुसार जब प्लानिंग की तो कहा 8 खंड 8 सेगमेंट्स। तो खंड निर्णय के 2 भाग। इसी प्रकार विधि विन्यास, विधि विन्यास में जब प्लॉट साइज या भूखंड का क्षेत्र मध्यम आकार का है तो 4 विधियाँ। सेंट्रल मोस्ट जो है वो ब्रह्मा विधि, ओपन टू स्काई। आउटर मोस्ट पेरीफेरी पर जो विधि है, पैशाच विधि, ओपन टू स्काई। और ब्रह्मा और पैशाच विधि के मध्य में देव विधि और मनुष्य विधि, इसी पर कंस्ट्रक्शन करना। जब भूखंड बहुत बड़ा है तो 9 विधियों का विन्यास किया और बीच बीच में विधियों को खाली रखा ताकि प्रकाश और हवा, इसका उचित प्रकार से संचरण हो सके, क्रॉस वेंटिलेशन मिले, एयर मिले, वेंटिलेशन मिले, लाइट्स प्रॉपर आए। तो ये खंड निर्णय और विधि विन्यास, इसको हमने देखा, इसको हमने समझा। अब हम पद विन्यास का अध्ययन करेंगे जो कि वास्तुशास्त्र का मुख्य आधार है और ज़्यादा प्रचलित भी है। वास्तुशास्त्र के सभी ग्रंथ, मानसार, मयमत, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, विश्वकर्मा प्रकाश, अग्निपुराण, मत्स्य पुराण, सभी में पदविन्यास का वर्णन मिलता है। पूजन भी जब करते हैं, वास्तु पुरुष मंडल बनाते हैं, 8x8 का, 9x9 का, उसमें जब 64 या 81 खाने बनाते हैं, वास्तु पूजन जो करते हैं वो भी पदविन्यास है। सांकेतिक रूप से प्रकट करके उसका पूजन किया जाता है। भूखंड पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। उन प्रभावों के अध्ययन के लिए कैसे ऊर्जा के क्षेत्र बने, उसका अध्ययन हमने खंड निर्णय और विधि विन्यास में समझा। अब उसकी बारीकियों को हम पद विन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास करें। पद विन्यास का अध्ययन करने से पूर्व
हम दिशाओं, मुख्य दिशा और विदिशा, इसका अध्ययन करेंगे। किस दिशा में किस प्रकार की ऊर्जा है, वो ऊर्जा किस प्रकार से दिक्पाल के माध्यम से अभिव्यक्त हुई, उस दिशा में दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होता है, और इनके सुधार के या वास्तु शोधन के क्या उपाय हैं, इन सब को देखने के उपरांत अपन पद विन्यास का अध्ययन करेंगे। खंड निर्णय का वर्णन चल रहा है, वास्तु के सिद्धांत का वर्णन चल रहा है, और उसमें दैनिक वास्तु और चर वास्तु इसे हम देख चुके हैं, और स्थिर वास्तु या नित्य वास्तु में खंड निर्णय, चार खंड, ईशान, आग्नेय, निरत्य, वायव्य, आठ खंड, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, निरत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ये देख चुके हैं। अब दिशा और विदिशा और उसके गुण, इनको समझने का प्रयास करते हैं। सूर्योदय जिस दिशा में होता है उसे पूर्व कहते हैं। पूर्व अर्थात सामने, सम्मुख। पूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्मुख, सामने। जो सामने है वह पूर्व, और दक्षिण कह लो, दाहिना कह लो, दाहिने हाथ की ओर की जो दिशा है उसका नाम दे दिया दक्षिण। पीछे जो दिशा है ना, मुख सूर्य की ओर है सूर्योदय के समय, और पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में जो दिशा है उसका नाम है पश्चिम। और बाएं हाथ या वाम हस्त जो है उसे कहा उत्तर। उत्तर जैसे ग्रंथ भी होते हैं ना, कभी स्टडी करते हैं, मान लो दो भाग का ग्रंथ है तो कहेंगे पूर्व भाग और उत्तर भाग, पश्चात, बाद में। पूर्व अर्थात सम्मुख, सामने, पहले, उत्तर अर्थात बाद में। तो पहले कौन सी दिशा है? तो पूर्व दिशा है। और सबसे आखिरी में कौन सी दिशा बताई? चार दिशाओं की जब बात करते हैं तो उत्तर दिशा बताई। तो इस प्रकार से ये चार दिशाएं होती हैं। सरल है, ठीक है। अब इनके जोन्स को देखेंगे और दिशा ज्ञात करने की विधि को जानेंगे। वास्तुशास्त्र में जो दिशा ज्ञान की विधि है उसमें बताया गया है कि एक शंकु होता है, कोनिकल शेप, वुड का, लकड़ी का बना हुआ है, और उसकी कुछ लंबाई होती है 9 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच, ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड साइज ले लेते हैं, 24 इंच मान लो, 2 फीट। और चूँकि वो कोनिकल है तो बेस पे जो उसका डायमीटर है, डाया है, वो 6 इंचेस है, और टॉप पर जो उसका डाया है वो 1 इंचेस है, और लेंथ उसकी अभी अपन ने देखी 24 इंच है। तो ऐसे एक शंकु को प्लॉट के, भूखंड के सेंटर पर थोड़ा सा स्थान समतल करके, फ्लैट करके, लेवल करके, उसके सेंटर में वो शंकु रख देते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका डाया इस शंकु की लेंथ से डबल होता है। तो शंकु को सेंटर में रखा, सर्कल ड्रॉ किया, और फिर सूर्योदय के समय जब सूर्य उदित हुआ तो वो जो शंकु है उसके जो वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु है ना, उसकी छाया इन्फिनिटी पे बनी। फिर जैसे जैसे सूर्य ऊपर गया वो छाया छोटी होते 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 दोपहर से पहले किसी समय वो सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच करती है, और फिर और छोटी हुई छोटी हुई, फिर दोपहर के बाद किसी पॉइंट को टच करती हुई सर्कमफेरेंस के वो बाहर चली जाती है। तो ये जो 2 पॉइंट मिले पश्चिम में और पूर्व में, इन पॉइंट को जॉइन कर देते हैं और लगभग ये जो हमको लाइन मिली ये पूर्व पश्चिम रेखा होती है। फिर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करते हैं, उत्तर दक्षिण मिलता है। ऐसी विधि शास्त्र में हमें मिलती बहुत गहराई से, अभी उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पूरा एक अध्याय शास्त्र में शंकु स्थापन विधि के नाम से, दिशा ज्ञान के नाम से हमें ग्रंथों में मिलता है, कैसे कैसे करेक्शन करना, उत्तरायण के अनुसार, राशि के अनुसार,
उसका विस्तार से वर्णन है, अभी उसकी व्याख्या, उसकी कमेंट्री नहीं करना है। आज के समय में हम चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक निडल से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। प्राचीन जो विधि है वो मैग्नेटिक फील्ड से अनअफेक्टेड है, उसका प्रभाव नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड का, लोकल मैग्नेटिक फील्ड का, और हमें सन डायल से या इस शंकु विधि से जो नॉर्थ साउथ मिलते हैं, ईस्ट वेस्ट मिलते हैं, वो कैसे हैं, वो शुद्ध हैं, वो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक ईस्ट नहीं है, वो ट्रू नॉर्थ और ट्रू ईस्ट है ना। पर अभी जो प्रायोगिक विधि अपन यूज़ करते हैं आधुनिक समय में, वो मैग्नेटिक नीडल की सहायता से हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शंस, और वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ अपने को बताती है। मैग्नेटिक नीडल कई प्रकार की होती हैं, अभी जो आपको दिखाएंगे वो जो कंपास है ना, वो कैसा कंपास है, वो मैग्नेटिक कंपास है, उसको लैंसेटिक कंपास भी कहते हैं। उसके माध्यम से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। ये जो है ये मैग्नेटिक कंपास है, इसको लैंसेटिक कंपास कहते हैं, और इसमें एक ये डायल होता है ना, इस पर ये दिशाओं के चिन्ह बने रहते हैं, ये जो डायरेक्शंस है ये इस पर दिखती है, इस पर ये जो आपका एरो है ये क्या बताता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ बताता है, फिर इधर इस साइड में आपका ईस्ट है, फिर इधर सदर्न साइड है, फिर ये वेस्टर्न साइड है, ऐसे ये एक लेंसेटिक कहो ये कंपास होता है, इसमें ये क्रॉस वायर है ना, इसको ऐसे कर देते हैं। और क्या करते हैं, ये जो स्लिट दिख रही है ना आपको, इसमें से देखते हैं, इसमें से देखते हैं, और उसको एक लाइन में लाते हैं, क्रॉस वायर को, स्लिट को, उसको एक लाइन में लाते हैं और इससे देखते हैं, ये देखने की जो जगह है, और इसको क्रॉस वायर से मिला देते हैं, इसको ऐसे, ये क्रॉस वायर से मिलाया और अपन ने उसको देखना शुरू किया, और जो डायरेक्शन हमको मिली उसको कैसे ट्रेस करते हैं, ये इस में से देख के या क्रॉस वायर के नीचे जो हमको मिलता है एंगल, उससे ट्रेस करते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सी है, किस दिशा का, किस फेसिंग का प्लॉट है। तो ये लेंसेटिक कंपास या मैग्नेटिक कंपास अपन ने देखा, इससे हम प्लॉट की दिशा कहो, डायरेक्शन कहो, उसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लॉट के सेंटर पे गए, वहाँ खड़े हो गए, और जिस ओर रोड है प्लॉट का उसकी तरफ मुख किया, रोड की तरफ फेस किया अपना, और इस लेंसेटिक कंपास को लगा के डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। अब यहाँ अभी सरल करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में अपन ये मान के चलते हैं कि जो प्लॉट है वो नॉर्थ फेसिंग है, उत्तरमुखी है, और प्लॉट कैसा है, प्लॉट वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, अभी सरल करने के लिए, फिर आगे अपन उसका जो है वो शेप को आयताकार, रेक्टेंगुलर करके फिर इरेगुलर शेप्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। अभी पहले हम देखेंगे चार दिशाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, और यह देखेंगे कि एक प्लॉट पर, एक भूखंड पर कितना बड़ा भाग उत्तर दिशा का है, पूर्व दिशा का है, दक्षिण दिशा का है और पश्चिम दिशा का है। ये चार भाग अपन किसी प्लॉट पर देखने के प्रयास करेंगे। तो अभी इसको पहले ड्राइंग पर समझने का प्रयास करते हैं या ड्राइंग पर देखते हैं। कैसे देखते हैं कि दिशाएं कितनी, चार। अभी अपन ने मैग्नेटिक नॉर्थ लिया तो अपन नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। अभी अपन ने मैग्नेटिक नॉर्थ लिया तो डायरेक्शन की स्टडी अपन नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो नॉर्थ या उत्तर
पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। टोटल जो सर्कल बना, सर्कुलर फॉर्म में देखते हैं तो कितना एंगल बना टोटल चारों दिशाओं का मिलाकर? 360 डिग्री ये सर्कल बना। और दिशाएं कितनी? चार, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो इस 360 को, 360 को हमने 4 से डिवाइड करा तो चारों दिशाओं का इक्वल समान क्षेत्र हमें मिला। सर्कुलर फॉर्म में कहें तो 90 डिग्री ईच, प्रत्येक का 90 डिग्री, उत्तर दिशा 90 डिग्री, पूर्व दिशा 90 डिग्री, दक्षिण दिशा 90 डिग्री, पश्चिम दिशा 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री हमें मिला प्रत्येक दिशा का, तो उत्तर दिशा का क्षेत्र कितना है? 90 अंश, 90 डिग्री। और जो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ से, नॉर्थ डायरेक्शन मिला, वो कहाँ है? वो नॉर्थ के सेंटर से जा रही है वो लाइन, तो उस नॉर्थ की लाइन से, नॉर्थ की सेंटर लाइन से 45 डिग्री लेफ्ट में और 45 डिग्री राइट में, ये किसका क्षेत्र हुआ? नॉर्थ डायरेक्शन का। उत्तर दिशा से 45 डिग्री 45 अंश दाहिनी ओर और 45 डिग्री 45 अंश बाईं ओर लेफ्ट साइड में, तो टोटल मिलकर हुआ 90 डिग्री। और ये किसका जोन मिला? ये हमें नॉर्थ का जोन मिला। इस नॉर्थ के जोन के आगे जब हम बढ़ेंगे क्लॉकवाइज प्रदक्षिण क्रम से, तो 90 डिग्री ईस्ट, फिर उसके बाद 90 डिग्री साउथ, फिर उसके बाद 90 डिग्री वेस्ट। तो किसी भी भूखंड पर जो स्क्वायर है उससे अपन ऐसे दिशाएं या जोन्स निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या उपयोग रहेगा कि शास्त्र में जब लिखा है नॉर्थ में ये एक्टिविटी रखो, तो अब नॉर्थ जोन कितना बड़ा है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम वहाँ वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो किसी स्क्वायर प्लॉट पर इस प्रकार से अपन जोनिंग कर सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है? सरल है, दो तीन बार चार बार जब आप अभ्यास कर लोगे एकदम सरल लगेगा। सरल से कैसे शुरू करेंगे? पहले स्क्वायर प्लॉट लिया और नॉर्थ दिशा उसकी मार्क कर ली स्ट्रेट, है ना। ये जो सरल प्रैक्टिस है इसको भी बताते हैं। सरल अभ्यास कैसा है कि अपन ने स्क्वायर प्लॉट बना लिया ड्राइंग शीट पर किसी पर, और एक प्लास्टिक की शीट ली, OHP शीट ली, ट्रांसपेरेंट शीट ली जो थोड़ी कड़क हो, और क्या किया, और उस पर 360 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर क्या किया, उसको हमने चार भागों में उस सर्कल को डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, और क्या किया, उसके एक सेक्शन से एक लाइन मार्क कर दी। वो लाइन कैसी है? वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, स्पष्ट हो रहा है। और उससे 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री राइट, ये नॉर्थ का जोन हो गया। इसी प्रकार ईस्ट का जोन, साउथ का जोन और वेस्ट का जोन। अब वो जो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट अपने पास उपलब्ध है, पारदर्शी शीट, वो जो हमारे पास ड्राइंग है उसके ऊपर उस शीट को सुपरइम्पोज कर दिया। प्लॉट का सेंटर और शीट का सेंटर, इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब जिधर वो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ से हमने नॉर्थ उसको मार्क कर दिया, तो क्या हो गया, अब वो प्लॉट पर कहाँ कहाँ उत्तर दिशा आ रही है, कहाँ पूर्व का क्षेत्र आ रहा है, कहाँ दक्षिण का क्षेत्र आ रहा है, कहाँ पश्चिम का क्षेत्र आ रहा है, कितना बड़ा पश्चिम का क्षेत्र है, यह मालूम कर सकते हैं। सरल है। अब मान लो किसी दिशा में, किसी प्लॉट में कोई दिशा, उत्तर दिशा जो है वो ठीक ठीक उत्तर की ओर नहीं है, स्ट्रेट नहीं दिख रहा है प्लॉट से, उसका फेसिंग घूमी हुई है लेफ्ट में या राइट में, तो जितना वहाँ उत्तर दिशा घूमी हुई है हमने अपनी वो जो प्लास्टिक की शीट है उसको उतना घुमा दिया उस तरफ, तो क्या हुआ उससे, अब वो दिशा का क्षेत्र कैसे बदला इसको भी हम जान सकते हैं। सरल है।
सरल है। अब कोई मान लो प्लॉट, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है अपने पास, तो क्या किया, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का सेंटर निकाला और क्या किया, फिर उससे वो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वही जो अपने पास सर्कल है, वो उस प्लॉट के सेंटर पर रख दिया, और जो वो नॉर्थ डायरेक्शन है उससे वो नॉर्थ डायरेक्शन को मिला दिया, प्लॉट की नॉर्थ डायरेक्शन को सर्कल की नॉर्थ डायरेक्शन से, और हमें जोन्स दिखने लगे कि ये नॉर्थ का जोन, यदि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो ज़्यादा बड़ा है, साउथ का जोन भी एरिया वाइज ज़्यादा है, और ईस्ट और वेस्ट का जोन जो है वो कम है रेक्टेंगुलर प्लॉट में। स्पष्ट हो रहा है ना? क्योंकि हम किस में देख रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में देख रहे हैं, दिशाओं का जो प्रभाव है उसको हम स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर फॉर्म से, है ना? तो अभी इसको अच्छे से बना लो, इसको समझ लो, फिर उसके बाद अगली इकाई में हम आठ दिशा, आठ दिशाओं का प्रभाव, किस दिशा में क्या कक्ष बनाना, उस दिशा में दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होता है, और उन दोषों का निवारण कैसे करना, इसको स्टडी करेंगे। ये जो अभी वास्तु के मूल सिद्धांत चल रहे हैं, इसको बड़ी सावधानी से धीरे धीरे समझेंगे तो विषय एकदम सरल हो जाएगा। अभी हमने क्या समझा, चार दिशा समझी, उनके जोनिंग समझी, और किसी प्लॉट पर, स्क्वायर पर और रेक्टेंगुलर्स पर कैसे वो दिशाओं को, कैसे वो दिशाओं के क्षेत्र को ज्ञात करना, इसको जाना, इसको समझा। आज इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे, कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे और दिशाओं को और गहराई से देखने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Thank you.